नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बात करते हैं महाराष्ट्र में गन्ना दिलाएगा गद्दी। महाराष्ट्र में एक ऐसा उद्योग है जिसका सियासत में सबसे ज्यादा आपने असर देखा है, और वो उद्योग है शुगर इंडस्ट्री। महाराष्ट्र की सियासत में शायद ही कोई ऐसा उद्योग होगा जिसका शुगर इंडस्ट्री से ज्यादा प्रभाव हो। लगभग हर चुनाव में इस उद्योग का असर रहता है, और इस बार के चुनाव में भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश की लगभग तमाम पार्टियों ने इस बार चीनी मिल के मालिकों को अपना उम्मीदवार बनाया है। आखिर क्यों और महाराष्ट्र की सियासत में गन्ना इंडस्ट्री का इतना प्रभाव, किस लिए, क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के रण में चीनी चा, कौन भरेंगे मिठास, कौन बेहा। चुनावी अखाड़े में शुगर मेकर, अब की बार बनेंगे किंग मेकर। महाराष्ट्र की सीट फैक्ट्री, गन्ना दिलाएगा गद्दी। महाराष्ट्र की सीट फैक्ट्री यानी गन्ना बैग, प्रदेश की सियासत में जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव। गन्ना बेल्ट को साधे बिना प्रदेश हो या फिर केंद्र, किसी भी पार्टी की सरकार बनना नामुमकिन है, क्योंकि इस क्षेत्र से न सिर्फ दर्जनों प्रभावशाली नेता जुड़े हैं, बल्कि करोड़ों की संख्या में आम आदमी भी किसी न किसी तरीके से चीनी मिलों से जुड़ा हुआ है। और लोगों का यही जुड़ाव सियासी दलों को शुगर फैक्ट्रियों के मालिकों की तरफ हर चुनाव में खींचता है, जिसका असर अब की बार के चुनाव में भी भरपूर दिख रहा है। महाराष्ट्र में चीनी मिल और उनके मालिकों का राजनीति में जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। इन कारखानों के मालिकों को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से संभव कोशिश करती है। महाराष्ट्र में दो प्रमुख गठबंधन है और हर पार्टी में कोई ना कोई चीनी मिल का मालिक जरूर है। ये चीनी मिल के मालिक राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सिर्फ प्रभाव ही नहीं छोड़ते, बल्कि कई ऐसे चीनी मिल के मालिक हैं जो इस बार विधानसभा के चुनाव में ताल ठोककर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सियासी पार्टियों की ओर से अब तक अनाउंस किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक 27 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में हैं जो चीनी मिलों के मालिक हैं। इनमें से कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनके नाम पर एक से ज्यादा चीनी मिले हैं। सबसे दिलचस्प तो ये है कि सभी दलों ने इन शुगर फैक्ट्रियों के मालिकों पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले अजित पवार। अजित पवार इस वक्त प्रदेश की महायुति यानी शिंदे सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। एक साल पहले ही अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर उनकी पार्टी एनसीपी लेकर शिंदे सरकार में शामिल हुए, और तब से अब तक शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के सहयोगियों की तरह सरकार में काम कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार तीन चीनी मिलों के मालिक। वेस्ट महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इनकी शुगर फैक्ट्रियां हैं। इनके खिलाफ शुगर फैक्ट्रियों से जुड़े कई घोटाले के आरोप हैं, जिसकी जांच ईडी समेत प्रदेश की भी जांच एजेंसी कर रही है। अजित पवार इस बार भी अपने पारंपरिक सीट बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब की बार उनके खिलाफ उनका ही भतीजा और शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार चुनाव मैदान में। 35 वर्ष पूर्वीची बारामती आणि आजची बारामती आपण विचारात घेतो तेव्हा तिच्या विकासामध्ये भूमिका निभावल्याचा आनंद हा कुठल्याही रोडनी जाताना माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला पाहायला मिळतो। आपण काही फक्त बारामतीपुरतं तो विचार केला नाही, तिकडं आपलं वडाणा असेल, तिकडं आपलं खराळवाडी असेल, तिकडं आपलं काटेवाडी असेल, तिकडं आपलं सांगली असेल, सहोबाजूंनी सर्व गावात, नदीकाठची गावं असतील, जिरायत भाग, बागायती भाग, शहरी भाग, अशा सगळ्याच भागामध्ये आपण ह्या न त्या पद्धतीनं वेगवेगळा निधी देण्याचा प्रयत्न केला। माझ्या राजकीय प्रवासामध्ये नेहमी महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न मी केला, आमच्या वडीलधाऱ्यांनी सगळ्यांनी केला, पण बारामतीचा लोकप्रतिनिधी म्हणून जगातलं जे चांगलं आहे ते बारामतीला यावं, जे जे नवं ते बारामतीला हवं, असं स्वप्न माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी पाहिलं आणि ते स्वप्न सत्यात उतरण्याच्या करता पुरेपूर प्रयत्न मी केला। सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत तशा पद्धतीनं माझं काम चालू असतं, मी प्रयत्न करत असतो। एकच ध्यास,
की आपल्या बारामतीचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे। अब बात जयंत पाटील की। एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील की भी पहचान शुगर सम्राट की। मौजूदा वक्त में शरद पवार के सबसे भरोसेमंद सिपाही के तौर पर पार्टी में काम कर रहे जयंत राजाराम पाटील भी चीनी मिल के मालिक। जयंत पाटील इस वक्त सांगली जिले के इस्लामपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो इस सीट का 2009 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले वो 1990 और 2009 तक वालवा सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। यानी पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से भी जयंत पाटील महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। अब की बार के चुनाव में भी वो अपनी इस्लामपुर सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी हैं। हिंदू लोग अब भाजपा की ये सब गाना सुनने के लिए वक्त जाया नहीं करते, क्योंकि लोगों को मालूम है ये इलेक्शन चुनाव जब नज़दीक आता है तो इनको हिंदुत्व की याद आती है। लेकिन लोग समझ गए हैं कि आरक्षण में क्या नीति भाजपा की है, देश में जो अलग अलग समाज है हिंदू में ही है उनके आरक्षणों की चीज़ों पे भारतीय जनता पक्ष कुछ नहीं बोलती, कुछ कर नहीं पाती, और इसीलिए लोगों का ये यकीन हो गया है कि भाजपा हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं, बाद में सब भूल जाती है। न सिर्फ शरद पवार के खास बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी चीनी मिलों के मालिक। रोहित राजेंद्र पवार जो कि शरद पवार के भाई के पोते हैं, यानी रिश्ते में शरद पवार के भी पोते लगते हैं। अजित पवार की बगावत के बाद से रोहित पवार लगभग हर वक्त अपने दादा शरद पवार के साथ रहते हैं। रोहित पवार भी चीनी मिल के मालिक हैं। इसके साथ ही मौजूदा वक्त में करजत जामखेड़ विधानसभा से विधायक हैं और अब की बार भी उसी सीट से अपने दादा की पार्टी से चुनाव मैदान में। महाराष्ट्र की राजनीति में चीनी उद्योग जितना प्रभाव शायद ही किसी और उद्योगों को कर रहा है। पिछले कुछ दशक के चुनावी इतिहास को देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल, एसबी चौहान, विलासराव देशमुख और अशोक चौहान जैसे कई बड़े नेता सुगर इंडस्ट्री से जुड़े रहे। इसके अलावा राज्य कैबिनेट का एक बड़ा हिस्सा चीनी उद्योगपतियों के साथ गहरे संबंध रखता है। इनमें से कई नेता अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार से कोई ना कोई जरूर सुगर इंडस्ट्री से जुड़ा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहब थोरात भी उन्हीं में से एक हैं। बाला साहब थोरात मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, प्रदेश की अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रह चुके। इनकी पहचान चीनी मालिक के रूप में है। दरअसल अपने इलाके में ये भी शुगर फैक्ट्री चलाते हैं। बाला साहब थोरात 1985 से अब तक लगातार 8 बार अहमदनगर जिले के संगमनेर विधानसभा से विधायक चुनते आ रहे और अब की बार भी चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सुगर लॉबी का हमेशा से ही वर्चस्व रहा। परंपरागत रूप से ये कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो दल बदल करके बहुत सारे सुगर सम्राट बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। सही में देखा जाए तो यशवंतराव चौहान से लेकर के और शरद पवार तक ये कांग्रेस पोषित सुगर सम्राट रहे हैं। अभी आए मौजूदा राजनीति में शरद पवार, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों में बचे हुए हैं। महाराष्ट्र के चीनी दिग्गज राजनीति के प्रति अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते हैं, जो अक्सर प्रचलित राजनीतिक हवाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी निष्ठाएं बदलते रहते हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल, हर्षवर्धन पाटिल और मोहिते पाटिल परिवार जैसे लोगों ने इस प्रवृत्ति को दर्शाया, जो महाराष्ट्र के लगातार बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहजता से बदलाव करते रहे। राधाकृष्ण विखे पाटिल मौजूदा वक्त में बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार है। इससे पहले वो कांग्रेस के साथ ही कई दूसरे दलों में रह चुके हैं। 1995 से लेकर अब तक राधाकृष्ण विखे पाटिल अहमदनगर के शेडी विधानसभा सीट से 6 बार विधायक चुनते आ रहे हैं। इस दौरान राधाकृष्ण विखे पाटिल शिवसेना और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। 2019 में वो बीजेपी के टिकट पर जीते थे और अब की बार भी अपनी सीट से बीजेपी के टिकट पर प्रत्याशी। महाविकास आघाडीच्या महाविकास आघाडीच्या या सगळ्या नेत्यांना फोड सुरू केलं। इतक्या लोकाभिमुख योजना समोर येताना लोक आपल्या मध्ये काय आहे, लोक आपलं मतदान करतील करतील का, जरा जर आपल्याला मिळेल का? आणि
त्या भीतीपोटी अशा सगळ्या घटना व्हायला लागल्या. पण बदलापूरची घटना आता लोकांना लक्षात आली, कोणी घडून आली? आपली कालची घटना कशामुळे घडली? लोकांचं या सगळ्या योजनेपासून लक्ष विचलित करायचं. त्यातून या राज्यात अनेक ठिकाणी अशा घटना घडणार आहेत. महायुती सरकारला कसं बदनाम करता येईल आणि सरकारने दिलेल्या सामान्य जनतेच्या करता दिलेल्या योजना त्यातून जनतेचं लक्ष कसं विचलित करता येईल, एक राज्य स्तरावर असलेले अतिशय नियोजनबद्ध षड्यंत्र असले. इनके अलावा शरद पवार की एनसीपी से हर्षवर्धन पाटिल पुणे के इंदापुर, राजेश टोपी घनसावंगी और जयंत पाटिल का भांजा प्राजक्त तनपुरे राहुरी सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं. सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना से भी कई चीनी मिलों के मालिक चुनाव मैदान में इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मौजूदा समय में मंत्री तानाजी सामंत धाराशिव जिले के पारंडा सीट से शिंदे की सेना से उम्मीदवार हैं, तो वहीं अहमदनगर के नेवासा से शंकर राव गड़ाख और सोलापुर के संगोला से दीपक आबा पाटिल उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी से उम्मीदवार हैं. इधर अजित गुट से दिलीप वलसे पाटिल पुणे ग्रामीण के आंबेगांव सीट से, तो वहीं कोल्हापुर के कागल से हसन मुशरीफ, अहमदनगर के कोपर गांव से आशुतोष काले, बीड के माजल गांव विधानसभा सीट से प्रकाश सोलंके, लातूर के अहमदपुर से बाबा साहेब पाटिल और बीड के ही परली सीट से धनंजय मुंडे अब की बार चुनावी मैदान में. सर्व विरोधक एकवटलेले आहेत आणि एक मतावर आता येण्याची शक्यता आहे. एक लक्षात घ्या की सर्व विरोधकांनी एकत्र यावं, लोकशाहीमध्ये निवडणूक लढावी का सर्व विरोधकांनी वेगवेगळे लढावं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. सर्वजण एकत्र येऊन निवडणूक लढत असतील तर लोकशाहीमध्ये त्यांचा अधिकार आहे, त्यामुळं त्या बाबतीत मला फारसं काही बोलायचं नाही. मला माझ्या परळी वैद्यनाथ मतदारसंघातल्या मायबाप जनतेवरती विश्वास आहे. मी त्यांची सेवा केली आहे आणि कायम सेवा करणार आहे हे त्यांना माहिती आहे. मी त्यांच्या प्रत्येकाच्या कुटुंबातला आणि माझा विश्वास मायबाप जनतेवर आहे. ठीक आहे. महाराष्ट्र के सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखने के मकसद से बीजेपी ने भी अब की बार कई चीनी मिलों के मालिकों को चुनावी रण में उतारा है, जिसमें सांगली जिले के शिराला से मानसिंह नाइक, ओवैसा सीट से अभिमन्यु पवार, लातूर के निलंगा से संभाजी पाटिल, उस्मानाबाद के तुलजापुर से राणा जगजीत सिंह और सोलापुर सीट से सुभाष देशमुख को उम्मीदवार बनाया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे भी चीनी मिल के प्रभाव की वजह से ही राजनीति में आए. वो जालना के भोखरदन सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं. इनके अलावा पूर्व सीएम और मराठा क्षत्रप माने जाने वाले अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण भी चीनी मिल की मालकिन है, जो अब की बार नांदेड़ की भोकर सीट से पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी. पक्षाने आमच्यावर जी जिम्मेदारी दिलेली आहे त्यांचं पुरेपूर प्रयत्न करेल की आम्ही जे आमच्या परिवाराचं जो एक भोकर मतदारसंघ आहे, आमचे परिवारातले एक जे भोकर मतदारसंघातले लोक आहेत त्यांचे प्रामाणिकपणे आम्ही त्यांचे सगळे अडचणी दूर करूया आणि सेवेत इकडे हजर राहूया. दोन तीन महिने लोकसभेपासून आम्ही फिरतो आहे आणि आता 2 महिने फिरताना वातावरण असं एक सकारात्मकता दिसते सगळ्यांकडनं, एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, एक चांगलं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. विरोध असं इलेक्शन आहे तर कोण ना कोणतरी विरोधात उभं राहणार, पण त्याचं काळजी करायला आहेत. इतना ही नहीं, कांग्रेस से भी कई दिग्गज चीनी मिलों के मालिक इस बार के चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं. पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख लातूर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं. वो इस सीट से 2009 से विधायक हैं. प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर मिलाकर इनके पास 16 से 18 चीनी मिले. इनके अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक जयप्रकाश डांडे गावकर परभणी के बसमत सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं सोलापुर से दिलीप माने कांग्रेस के बैनर तले चुनावी ताल ठोक रहे हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक दोनों मुख्य गठबंधनों की ओर से सभी पार्टियों ने शुगर फैक्ट्रियों के मालिक को अपना प्रत्याशी बनाया. अब तक के अनाउंसमेंट के मुताबिक बीजेपी से 8, अजित गुट के एनसीपी से 7, शरद पवार के एनसीपी शरद से 5, कांग्रेस से 4, उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी से 2, शिंदे की शिवसेना से 1 और महादेव जानकर पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष से 1 शुगर फैक्ट्री के मालिक चुनाव लड़ रहे हैं. बीजेपी के सहयोगी महादेव जानकर पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष से जो शुगर किंग चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनका नाम रत्नाकर गुट्टे.
जिन पर कई घोटालों के आरोप। चीनी मिल और चीनी मिल से जुड़े घोटाले में सबसे बड़ा नाम इनके गंगाखेड़ शुगर्स में जो घोटाले हुए हैं उसमें सीधा ईडी ने कार्रवाई की। 2019 में जेल में बंद रहते हुए भी चीनी मिल के दम पर जेल से ही गंगाखेड़ विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे गुट्टे दोबारा गंगाखेड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में चीनी मिल पहले सहकार तत्व पर चलती थी, लेकिन बाद में चीनी मिल प्राइवेट लोगों के हाथ में चली गई। चीनी मिल जब सहकार से जब प्राइवेट होने लगी तब उसकी खरीदी और बिक्री में जबरदस्त घोटाला सामने आया। इस घोटाले की पहली शिकायत समाज सेवी अन्ना हजारे ने की थी। इसके बाद राज्य की शिखर बैंक यानी महाराष्ट्र राज्य स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऑडिट रिपोर्ट में भी साफ हुआ कि इस बैंक ने कई कारखानों को कई नियमों को ताक पर रखकर लोन दिया है। इसके बाद ईडी एक्टिव हुई और ईडी ने कई चीनी मिल मालिकों के घरों पर, दुकानों पर, ऑफिसेस पर वहां पर छापेमारी की थी। तब एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया, वो नाम था अजित पवार का। भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार को लगातार घेरना शुरू कर दिया, लेकिन अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो इसके बाद अजित पवार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी रखी। मामला ठंडे बक्से में चला गया, लेकिन अभी भी अजित पवार पर घोटाले का आरोप है और ईडी के पास अभी जितने भी मामले हैं उनमें सबसे ज्यादा मामले चीनी मिल से जुड़े हुए हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो और पार्टी चाहे कोई भी हो, पश्चिम महाराष्ट्र के कम से कम 50 ऐसी सीटें हैं जिनका इस पर प्रभाव है। शुगर लॉबी के साथ साथ इनको हम घरानेशाही भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कम से कम दो दो से तीन तीन पीढ़ियाँ हो गई, सरकारें बदलती गई, पार्टियाँ बदलती गई, लेकिन विधायक, एमपी और मंत्री वही रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चतुराई से जोड़ तोड़ करके कई शुगर लॉबी के बड़े नेताओं को अपने साथ लिया है और मैं कह सकता हूँ कि वो जहाँ रहते हैं पार्टी वही चुनाव जीतती है। बहरहाल अब ऐसे में अब की बार देखना दिलचस्प होगा कि जितने भी शुगर फैक्ट्री के मालिक इस बार चुनाव मैदान में हैं उनमें से कितने जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं और कितनों की सत्ता में भागीदारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।